स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टरटा में। दोस्तों म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर वैसे तो आपको काफी ज्यादा स्कीम मिल जाती हैं, लेकिन अगर हम कुछ ऐसे प्लान की बात करें जो दोस्तों पिछले 1.5-2 साल से फंड स्टार्ट हुए हैं, लेकिन जब से ये फंड स्टार्ट हुए हैं तब से लेकर अगर हम अब तक की बात करें तो इन फंडों ने कमाल का रिटर्न दिया है। म्यूचुअल फंड के अंदर जब भी आप पैसे को निवेश करते हैं तो यहाँ पर हमेशा आपका टारगेट ये होता है कि आप कम पैसे निवेश करें और उसी से आप एक बड़ा फंड बना लें, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में लगातार 10-12 साल से रिटर्न काफी अच्छा मिला है। और अगर आप आज भी म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर पैसे को निवेश करते हैं तो आपको बहुत सारे प्लान मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको किस प्लान में और किस तरह से पैसे को निवेश करना चाहिए, ये एक अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि 4,500 से ज्यादा प्लान में से अगर आप किसी ऐसे प्लान में पैसे को निवेश करते हैं जिसमें कंपाउंड रिटर्न आपको काफी अच्छा मिल जाए तो आप कम पैसे निवेश करके भी एक बड़ा फंड बना सकते हैं। लेकिन जब भी निवेश करने की बात आती है तो उसके लिए आपको ऐसे प्लानों का चुनाव करना है जहां पर आपके थोड़े पैसे पर रिस्क भले ही हो लेकिन आपको प्रॉफिट काफी अच्छा मिल जाए। तो यहां पर हम कुछ ऐसे प्लान लेकर आए हैं जो अभी पिछले 1.5-2 साल से स्टार्ट हुए हैं और इन प्लान के अंदर पोटेंशियल ग्रोथ काफी ज्यादा है। अभी तक भी इन प्लानों ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है और दोस्तों भविष्य में ये प्लान आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो यहाँ पर 4 फंड हमने पिक किए हैं जिसके अंदर अगर आप कम पैसे निवेश करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो इसके लिए ये प्लान काफी अच्छे रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम इन प्लान की डिटेल्स चेक करते हैं और एक एग्जांपल हम कैलकुलेशन के साथ भी ये समझेंगे कि कैसे अगर आप कम पैसे निवेश करते हैं और आपका टारगेट होता है एक बड़े फंड बनाने का तो उसे आप कैसे और कितने टाइम के अंदर पूरा कर सकते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों हमने प्लान पिक किए हैं 4 जिनके अंदर पहला प्लान है यहाँ पर SBI का निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। दोस्तों इस प्लान की अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि ऑल टाइम में फंड ने 39% से ज्यादा रिटर्न दिया है। दोस्तों ये कंपाउंड रिटर्न है जबकि इस फंड को अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1-2 साल पुराना ये फंड है, तब से लेकर अब तक लगातार फंड ने रिटर्न काफी बेहतर दिया है। जबकि अगर हम पिछले 1 साल की बात करें फंड का रिटर्न 62% है, लास्ट अगर 6 मंथ की बात करें तो 21% रिटर्न, जबकि लास्ट 1 मंथ में भी दोस्तों फंड का रिटर्न अभी 4% है। यहाँ पर फंड के अंदर अभी मई के महीने यानी अभी 4-5 दिन पहले करेक्शन जरूर मिला है, लेकिन उसके बावजूद फंड ने जो रिटर्न है वो दोस्तों काफी बेहतर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फंड के अंदर नीचे 16.36 रुपए का एनएवी का प्राइस आ चुका था, लेकिन अभी वापस से आपको 17.22 रुपए के हिसाब से यहाँ पर एनएवी का प्राइस मिल रहा है। इसी तरह सेकेंड फंड हमने जो पिक किया है यह है HDFC का निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। दोस्तों ये फंड भी अभी 2 साल पहले स्टार्ट हुआ है और तब से लेकर अब तक इस फंड ने 65% से ज्यादा रिटर्न दिया है, जबकि लास्ट 1 ईयर में फंड का रिटर्न 61%, लास्ट 6 मंथ में 21% और 1 मंथ में फंड ने करीब 4% का रिटर्न दिया है। यहाँ पर दोस्तों इस प्लान के अंदर भी शॉर्ट टर्म में करेक्शन जरूर आए हैं। एक बड़ा करेक्शन 7 फरवरी के बाद मार्च के महीने में देखने के लिए मिला था, उसके बाद यहाँ पर अभी पिछले महीने एक करेक्शन आया है। तो दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट टर्म में जरूर करेक्शन आए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो इस प्लान ने भी काफी बेहतर रिटर्न दिया है। थर्ड फंड जिसकी हम बात कर रहे हैं आज वो है निप्पॉन इंडिया का निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। और दोस्तों ऑल टाइम इस फंड ने 37% का रिटर्न दिया है, जबकि लास्ट 3 ईयर में फंड का रिटर्न 27%, लास्ट 1 ईयर में 62%, लास्ट 6 मंथ में 21% से ज्यादा इस फंड ने रिटर्न दिया है। दोस्तों ये फंड उन दोनों फंडों से थोड़ा ज्यादा पुराना है क्योंकि फंड करीब 4 साल पहले स्टार्ट हुआ है, लेकिन दोस्तों तब से लेकर अब तक 2020 के बाद से अब तक फंड ने 4 साल में काफी शानदार रिटर्न दिया है और दोस्तों इस फंड के अंदर पोटेंशियल ग्रोथ काफी ज्यादा है। जबकि फोर्थ फंड हमने पिक किया है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। दोस्तों ये प्लान भी अभी 3-4 साल पहले स्टार्ट हुआ है, लेकिन तब से लेकर अब तक इस प्लान ने लगातार जो रिटर्न है वो 30% से ज्यादा दिया है, जबकि लास्ट 3 ईयर में इस फंड का रिटर्न 27%, लास्ट अगर हम 1 ईयर की बात करते हैं तो 62% और 6 मंथ में फंड ने 21% से ज्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों इस प्लान के अंदर आपने देखा कि चारों ही प्लान ये स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड कैटेगरी के हैं, लेकिन आपने नोटिस किया कि इन चारों प्लान के अंदर ही रिटर्न आपको अलग रख मिला। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ, सबसे पहले आपको ये देखना है यहाँ पर दोस्तों इन प्लान की होल्डिंग में जो स्टॉक है उनमें सारे स्टॉक स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड के ही है, लेकिन इसके अंदर अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से पैसे को निवेश किया गया है। यहाँ पर अब हम पोर्टफोलियो रिव्यू करके चेक करते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा किस फंड का किस स्टॉक में निवेश किया गया है। तो अगर हम SBI स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के पोर्टफोलियो की बात करते हैं
तो दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर 250 स्टॉक शामिल हैं जिनमें पैसे को निवेश किया गया है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पैसा है वो क्रॉम्पटन ग्रीव्स स्टॉक के अंदर निवेश किया गया है 1.19%। इसके अलावा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सी एंड ब्लू स्टार, एंजल वन, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड, IDFC, यानी कि यहाँ पर जो स्टॉक है दोस्तों वो स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक है। लेकिन इसके अंदर अलग अलग परसेंटेज में कुल मिलाकर 250 स्टॉकों में ही पैसे को निवेश किया गया है। अगर हम HDFC स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड की बात करते हैं तो दोस्तों इसके पोर्टफोलियो में भी 250 स्टॉक हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा क्रॉम्पटन ग्रीव्स के अंदर ही निवेश किया गया है 1.17%। इसके अलावा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सी एंड ब्लू स्टार, एंजल वन, यानी कि यहाँ पर भी दोस्तों अलग अलग परसेंटेज में पैसे को निवेश किया गया है। सेम स्टॉक है 250 स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर। जबकि अगर हम बात करते हैं पोर्टफोलियो की निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड की, तो दोस्तों यहां पर कुल मिलाकर स्टॉक है 249 जिसके अंदर पैसे को निवेश किया गया है। और यहां पर सबसे ज्यादा पैसा वही सेम स्टॉक है। इन तीनों फंड के अंदर अब तक हमने चेक किया कि होल्डिंग सबके अंदर सेम है, बस यहां पर आप परसेंटेज देखेंगे तो सबके अंदर अलग अलग परसेंटेज में पैसे को निवेश किया गया है। अगर हम दोस्तों मोतीलाल ओसवाल के निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड की बात करते हैं तो दोस्तों इसके पोर्टफोलियो में सेम वही स्टॉक है, बस यहां पर परसेंटेज चेंज हो चुकी है। यही वजह है कि इनके अंदर अलग अलग परसेंटेज में सारे स्टॉकों में पैसे को निवेश किया गया है। इसलिए यहाँ पर जो इनका प्रॉफिट है दोस्तों वो थोड़ा सा हमें अलग अलग दिखाई देता है, क्योंकि सारे जितने भी स्टॉक हैं और जितने भी ये फंड्स हैं इन्होंने अलग अलग परसेंटेज में अलग अलग स्टॉकों में पैसे को निवेश किया गया है। लेकिन दोस्तों सारे ही फंड की अगर हम बात करते हैं तो ऑल टाइम में इन फंड्स ने जो रिटर्न है वो 30% के आसपास दिया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपको इतना रिटर्न नहीं मिलता है और आपको कम से कम यानी कि सिर्फ 25% का रिटर्न मिल जाता है। यहाँ पर आप लमसम पैसे निवेश करते हैं दोस्तों 50,000 रुपये, तो क्या आप इससे एक बड़ा फंड बना सकते हैं? दोस्तों 10 साल में इस 50,000 लमसम निवेश करके आप 4,65,000 रुपये का फंड बनाएंगे, 4,15,000 का इसमें रिटर्न होगा। लेकिन अगर आप पैसे को निवेश करते हैं यहाँ पर 20 साल के लिए तो इस 50,000 रुपये से आप 43,36,000 रुपये का फंड बनाएंगे, इसमें 42,00,000 तक आपको रिटर्न मिल सकता है। लेकिन 30 साल में इस 50,000 रुपये निवेश करके आप 4 करोड़ रुपये तक फंड भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका टारगेट है कम टाइम में एक बड़े फंड बनाने का, अगर आप दोस्तों 5,00,000 रुपये निवेश करते हैं और आपका टारगेट 1 करोड़ रुपये फंड बनाने का है, तो यहाँ पर आप 1 करोड़ रुपये का फंड कम से कम टाइम में यानी कि सिर्फ 13 साल या 14 साल के अंदर भी बना सकते हैं। जिन लोगों ने अब से 10-12 साल पहले पैसे को निवेश किया और कई फंडों ने रिटर्न उन्हें 30% भी दिया है, तो दोस्तों जिन लोगों ने 5,00,000 रुपये निवेश किए वो पिछले 10-12 साल के अंदर ही उनके पास 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का फंड है। यही वजह है कि आप आज भी निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर तो एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर आपको शॉर्ट टर्म में करेक्शन जरूर मिल सकता है, लेकिन अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म पैसे निवेश करने का है तो यहाँ से आप एक बड़ा फंड भी बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में शॉर्ट टर्म में आपको करेक्शन मिल सकता है, आपका टारगेट 10 से 15 साल निवेश करने का है तभी आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं। ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।